शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात, शिव का प्रागट्य। अब ये सब संकेत हैं हमारे भीतर की जो शक्ति है और शिव है उनका भीतर मिलन होता है। ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम अवसर है जहाँ कोई भी ध्यान के साधक को ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक तौर पर महसूस होता है। तो शिव का प्रागट्य हमारे भीतर होगा, शिव का प्रागट्य कोई बाहर नहीं होगा, शिव जी निकल करके कहीं से नहीं आएंगे, वो हमारे भीतर जो शिव है उसका प्रागट्य है। वो एक सही मुहूर्त है जिस मुहूर्त में अगर ध्यान किया जाए तो वर्षों का जो ध्यान का फल नहीं आता वो उस रात हो जाती है बात। तो और जो खासतौर पर जो साधक हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान करते रहे हैं उनके लिए तो ये अद्भुत अवसर है। तो शिवरात्रि हम पूरी रात जागेंगे, ये रात सोने की नहीं जागने की रात है। मैं आपके साथ रहूँगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जो लोग आ सकते हैं वो हमारे सेंटर पर आएंगे, रात भर हम यहीं रहेंगे साथ में और मैं कुछ ध्यान की विधियाँ कराऊँगा जो कि हमारे तीसरे नेत्र को खोलती हैं, एक्टिवेट करती हैं। क्या है ये पीनियल ग्लैंड, क्या है ये तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, इस पर बात भी करेंगे, शिवरात्रि के महत्व को समझेंगे, शिव को समझेंगे और कुछ गहन प्रयोगों में जाएंगे जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, अमृतमय हो जाए। साथ ही इस शिवरात्रि यानी कि 1 मार्च के पहले 21 दिन तक हम इसकी तैयारी करेंगे। तो 8 फरवरी दुर्गाष्टमी से लेकर 28 फरवरी तक मैं रोज रात को 9 से 10 एक घंटा आपके साथ रहूँगा। आधा घंटा मैं बात करूँगा महत्व पर कि ये पीनियल ग्लैंड क्या है और ये डोपामाइन क्या होता है जिसके रिसने से हम या तो जीवन में उलझ जाते हैं या सुलझ जाते हैं। तो ये इसका पूरा विज्ञान क्या है इस पर मैं रोज आधा घंटा बात करूँगा और आधा घंटा एक विशेष प्रयोग करेंगे जो तैयारी होगी शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि का वो महत्वपूर्ण जो अवसर है, वो जो रात है, वो यूं ही ना गुजर जाए। हमारे भीतर जो हम जगाना चाहते हैं, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं हम वहाँ पहुँचे, हम पहुँचे अपने तक। आप सबका स्वागत है शिवरात्रि। 21 दिनों का प्रयोग 8 फरवरी से शुरू हो रहा है और शिवरात्रि 1 मार्च को है। शाम 7 बजे से सुबह 2 मार्च 7 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा। हम पूरी रात जागेंगे और भजन कीर्तन, बहुत सा आनंद, बहुत मज़ा और साथ ही साथ 5 ऐसे ध्यान के गहन प्रयोग जो आपके त्रिनेत्र को जगाते हैं, जो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं। आप सबका स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि हम भारत देश में पैदा हुए जहाँ इस तरह के अद्भुत अवसर बनते रहते हैं। अगर इन अवसरों को हम खो दें तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें जानना है, इन अवसरों का पूरा लाभ लेना है। स्वागत है आपका।